आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग पाकिस्तानी मूवीज ऑफ ऑल टाइम की, कि आज तक बॉक्स ऑफिस पे कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा खासा पैसा बनाया है। तो टॉप 5 में से नंबर 5 पे आते हैं, तो नंबर 5 पे एक नहीं बल्कि दो मूवीज़ हैं। फर्स्ट मूवी टिफा इन ट्रबल। अगर इस मूवी की बात की जाए तो ये मूवी कॉमेडी, रोमांटिक और एक्शन थ्रिलर मूवी थी। कास्ट में अली जफर, माया अली, जावेद शेख और महमूद असलम को देखा जा सकता है। मूवी में एक कैमियो है, फैसल कुरैशी ने प्ले किया, वो सिर्फ फन एलिमेंट के तौर पे था। इस मूवी ने 47.1 PKR करोड़ कमाए हैं, जो कि अमेरिकन डॉलर्स में 1.6 मिलियन डॉलर बनते हैं। नंबर 5 में जो नेक्स्ट मूवी आती है वो है जॉयलैंड। तो ये मूवी जॉयलैंड LGBTQ के एक करेक्टर पे बेस है और इस मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर कैटेगरी में ऑस्कर्स में शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। इसके अलावा इसे कैनास फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी प्रीमियम किया गया था। इसे काफ़ी सराहा गया है। इस मूवी ने 1.2 मिलियन डॉलर कमाए थे और इस मूवी के साथ काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी पाकिस्तान के अंदर। नंबर 4 पे आती है मूवी पंजाब नहीं जाऊंगी। ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। हुमायूं सईद, अहमद सुहेल, महवेश याद और अहमद अली भट्ट को हम कास्ट में देख सकते हैं। इस मूवी ने 516 करोड़ कमाए हैं, जो कि अमेरिकन डॉलर्स में 1.8 मिलियन डॉलर बनते हैं। नेक्स्ट मूवी की बात की जाए तो वो है लंदन नहीं जाऊंगा। ये मूवी पंजाब नहीं जाऊंगी का सीक्वल था और मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बस इसे फर्स्ट मूवी की हाइप और हुमायूं सईद की जो स्टार पावर है उसे यूज़ करके इन्होंने मूवी बनाई। और मज़े की बात यह है कि मूवी चल भी गई। इस मूवी ने 55 करोड़ पाकिस्तानी कमाए, जो कि अमेरिकन डॉलर में 1.9 मिलियन डॉलर बनते हैं। नंबर 2 पे जो आती है वो है जवानी फिर नहीं आनी 2। ये मूवी जवानी फिर नहीं आनी का एक सीक्वल था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। कास्ट में हुमायूं सईद, वासे चौधरी, अहमद अली भट्ट, फहद मुस्तफ़ा, कुबरा खान और उर्वा हुसैन को देख सकते हैं। मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफ 730 मिलियन पाकिस्तानी और अमेरिकन डॉलर में देखा जाए तो 2.5 मिलियन डॉलर कमाए थे। लोगों ने मूवी को काफ़ी सराहा और मूवी काफ़ी अच्छी थी। अब जो नंबर 1 वो ऑब्वियसली सबको पता है, वो है द लेजेंड ऑफ मौला जट। अब इस मूवी का हर किसी को पता है ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पंजाबी लैंग्वेज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग पाकिस्तानी मूवी है, जिसमें फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, मायरा खान जैसे मेथड एक्टर भी कास्ट किए गए हैं। इस मूवी ने 300 करोड़ प्लस, जिन्हें अमेरिकन डॉलर में देखा जाए तो 13.8 मिलियन डॉलर कमाए थे। और ये मूवी स्टिल अभी सिनेमाज में चल रही है। ये पहली मूवी है पाकिस्तान की और पंजाबी लैंग्वेज इंडस्ट्री की जिसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। और अभी तक इसकी कोई रिलीज डेट HBO पे या ऐसे कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे Netflix पे रिलीज किया जाएगा। जब ही इसकी रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।